अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन किचन, जहाँ पे कुकिंग होगी बड़ी इजी और मज़ेदार। दोस्तों, आज की मज़ेदार सी रेसिपी है रूह अफ़ज़ा जली रेसिपी, जो कि मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। सिर्फ पानी से बनने वाली ऐसी रिफ्रेशिंग और जो एकदम यूनिक है। शरबत तो हमने पिया है, तो चलिए इसे खा के देखते हैं एक बार। तो इसके लिए हमने लिया है चाइना ग्रास, 10 ग्राम्स लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप वाटर, यानी कि 240 ml वाटर, और इसको जो है अच्छे से डिज़ोल्व होने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ऐसे ही 10 मिनट तक साइड रख लेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम एक कढ़ाई को रख लेंगे और उसमें ऐड कर लेंगे वाटर, तकरीबन 2 कप वाटर ऐड कर लेंगे, यानी कि 500 ml वाटर। वाटर ऐड करने के बाद ऐड कर लेंगे रूह अफ़ज़ा की शरबत, 1/2 कप ऐड कर लेंगे, और उसके बाद ऐड कर लेंगे चीनी, 1 TI कप चीनी ऐड कर लेंगे। ऑलरेडी शरबत जो है बहुत ही मीठी रहती है, तो चीनी जो है देख समझ कर ऐड करें और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काफ़ी यूनिक सी डेसर्ट या जेली की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और इस रमज़ान के इफ्तार पर इसे ठंडा ठंडा ज़रूर से सर्व करें, बड़ी ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड कर लेंगे चाइना ग्रास। चाइना ग्रास के साथ साथ जो भी वाटर हमने 1 कप ऐड कर लिया था, उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद जो है स्टोव को जो है ऑन कर लेंगे। स्टोव को ऑन करने के बाद अच्छे से चम्मच की मदद से स्टिर करते रहें और मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक अच्छे से कुक कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉईल आने लगी है, इससे अच्छे से डिजोल्व होने तक कुक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना ग्रास या अगर अगर जो है अच्छे से डिजोल्व हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बड़े बड़े बॉईल आने लगे हैं। अगर आप चाहे तो इस लिक्विड को जो है एक कटोरी में ऐड करके 5 मिनट तक रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। अगर 5 मिनट के बाद अच्छे से सेट हो गया, तो आपका रूह अफ़ज़ा शरबत या जेली जो है अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मिक्सचर को जो है हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस लिक्विड को एक बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे चिया सीड्स, जो कि ऑलरेडी हमने सोक करके रख लिए थे। तकरीबन 1/4 कप ऐड कर लेंगे। चिया सीड्स को जो है सब्जा सीड्स भी कहते हैं, तो इसको ऐड करने से इसका टेस्ट जो है काफ़ी एनहेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्मली रूह अफ़ज़ा में चिया सीड्स को जो है ऐड करते हैं, लेकिन आज हम इस दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हम एक डेसर्ट या जेली बनाने वाले हैं। तो इसको हम रूम टेम्परेचर पर 30 मिनट तक सेट कर लेंगे और उसके बाद रेफ्रिजरेट करेंगे 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेली को हमने रेफ्रिजरेटर में रखे 1 घंटा हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट सी जेली जो है बन के रेडी है। तो चलिए इसको नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे और ठंडा ठंडा जो है इस रमज़ान की इफ्तारी पर सर्व करेंगे। Thanks for watching.